गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों के लिए लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें अपन लोगों को टू इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन को गिवन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, जो कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में बताया था, ठीक है। तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले इस इक्वेशन को राइट करेंगे, s माइनस t इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन को राइट करेंगे, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको अपन सेकंड इक्वेशन नेम नहीं दे सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, ठीक है। अब इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 6, 2s और 3t, ठीक है, इज इक्वल टू 6। हो गया सॉल्यूशन। अब 6 का 6 में क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 या 36। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको अपन नेम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया अपने इक्वेशन नंबर सेकंड और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कल जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें डायरेक्टली अपन को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दिया था, लेकिन इसमें इक्वेशन फर्स्ट तो डायरेक्टली दिया है, लेकिन इक्वेशन सेकंड को अपन ने सिंपलीफाई किया है, ठीक है। कल मैंने मेथड क्या बताई थी आप लोगों को, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एस की। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को राइट करेंगे, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। आप इसका ट्रांसपोज कर देंगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब अपन जो s की वैल्यू आई उसको कहाँ पर पुट अप कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में अपन पुट अप कर देंगे, तो क्या आएगा, 2 एज इट इज। s के प्लेस पर क्या आएगा, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसका आपस में 3 2 6, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया दोनों में, 6 एज इट इज, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना, 5t इज इक्वल टू 36, ठीक है। 6 का ट्रांसपोज कर देंगे, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, सबट्रैक्ट करेंगे, 5t इज इक्वल टू 30, ठीक है। देन यहाँ से अपन t की वैल्यू निकालेंगे, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। तो देखें एक बार और राइट करूँगा, 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 30 आ जाए 6 टाइम, तो t की वैल्यू कितनी आई अपनी, 6। कल मैंने बताया था जब t की वैल्यू आ जाती है उसको किस में पुट अप करते हैं अपन, इक्वेशन नंबर थर्ड में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन थर्ड, ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड या थर्ड, तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू 3 प्लस द वैल्यू ऑफ टी इज 6, सो एस इज इक्वल टू 9। तो अपना ये आंसर आ चुका है, द वैल्यू ऑफ एस इज 9 एंड द वैल्यू ऑफ टी इज 6। अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।